रिटायरमेंट के बाद मेरी जगह किसी महिला जज को ही अपॉइंट करे। ये बात सुप्रीम कोर्ट की 8वीं महिला जज जस्टिस हेमा कोहली ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से कही। इस मौके पर बोलते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जस्टिस कोहली न सिर्फ एक महिला जज रही हैं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों की प्रबल रक्षक भी रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 साल तक सेवा देने के बाद जस्टिस कोहली 1 सितंबर को रिटायर होने वाली हैं। बता दें, जस्टिस कोहली 40 सालों तक कानून के पेशे में रही हैं। उन्होंने 22 साल वकील और 18 साल बतौर जज काम किया है। कोहली 31 अगस्त 2021 से सुप्रीम कोर्ट में जज के पद पर कार्यरत थी। बता दें कि जस्टिस हेमा कोहली के फेयरवेल सेरेमनी में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चीफ और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अनुरोध किया कि महिलाओं को न्यायपालिका में उचित स्थान देना चाहिए। उन्होंने सीजेआई से कहा कि लॉ फर्म्स में बड़े केस लड़ने के बाद भी महिला वकीलों को मौका नहीं मिल रहा है। ऐसी प्रतिभावान महिलाओं को हाईकोर्ट जज के तौर पर नियुक्त किया जाना चाहिए। अगर महिलाएं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जज भी बन सकती हैं।